रहे हो, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है बिन्नी राणा और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल बिन्नी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर लिया है नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8:30 बजे से। तो साइड का झाड़ू पोछा तो हो चुका है, तो अब ना ओनली मेरे रूम का झाड़ू तो मार लिया है मैंने, देन पोछा मारने के लिए बचा हुआ है। तो फटाफट से ना मैं पोछा भी मार लेती हूँ, और पोछे की बारी थी तो फटाफट से ना मैं पहले पोछा मार लेती हूँ। और आज ना मैंने अपना बुग्गू ना वहाँ रखा हुआ, कभी ना मैं अपने बुग्गू को ना इधर रख लेती हूँ सोफे के ऊपर, और कभी ना बेड के ऊपर रख लेती। वो मतलब मेरे बुग्गू का ना कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी सेट हो जाता है। तो खैर जो भी है, तो मैं फटाफट से ना पहले पोछा मार लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। आप वीडियो में ना कंटिन्यू बने रहना लेना आज बहुत, क्योंकि मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं ज़्यादा खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, तो आज तो मैं आगे ना आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। तो आप फिर अपना वीडियो में बने रहना। तो पहले ना मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, जो पोछा बाकी बचा हुआ है। तो पहले मैं फटाफट से ना पोछा मार लेती हूँ। तो इससे ना मुझे दीवार के नीचे पोछा मारना पड़ेगा, क्योंकि दीवार के नीचे धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई होती है, इससे ना वाइपर से ना शार्प हो जाएगी। कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं फटाफट से पहले कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। क्योंकि मेरा फोन ना चार्ज भी नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी, आगे की वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मेरा फोन ना ऑफ होने वाला है। तब तक के लिए मैं अपना फोन ना चार्ज पर लगा लेती हूँ और अपना काम निपटा लेती हूँ, जो मेरे कपड़े वगैरह धुलने के लिए। तो फटाफट से ना कपड़े वगैरह धुल के लेके आ जाती हूँ। खुशी का राज ना आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तो मैं आज ना इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल ना मिस्टर जी आने वाले हैं घर, तो मुझे ना मतलब तो मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ मिस्टर जी को मिलने के लिए, एक्साइटेड। तो मैं ना मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, कैसे बताऊँ मैं आप सभी को, मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कल ना मिस्टर जी आ रहे हैं करके, और देन हमारे ना यहाँ पर ना शिलान सी टाइप की हो रही है, तो यहाँ से ना पूरे दीवार के ना छिलके टाइप के निकलने लग गए इधर नीचे से भी, क्योंकि पानी सीलन आ रही है मेरे, क्योंकि हमारे रूम पे ना पूरे रूम पे ना सीलन आ रही है, तो सीलन के चक्कर से ना ये पूरी दीवार ना हमारी ख़राब हो चुकी है। तो अभी मैं आज तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो नहा के वगैरह हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, देन अभी सासू मम्मी जी तो चली गई है घूमने के लिए, और जेठानी जी अभी नहा रहे हैं, तो और बच्चे ना सारे स्कूल चल गए हैं, तो घर में हम ही हैं।
तो अभी तो सारा काम भी खत्म हो चुका है, तो मैं फटाफट से ना अपने कपड़े ना प्रेस कर लेती हूँ तब तक। और कल ना मिस्टर जी भी आने वाले हैं, तो मिस्टर जी के कपड़े तो मैंने कल धुल लिए थे, बट मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई, मतलब वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे बाहर धुलने के लिए। तो मैंने ना वो कपड़े फिर धुले, फटाफट से सुखाए, और ये है कि फिर दोपहर में ना बारिश भी हो गई थी, तो बारिश के चक्कर से ना फिर ये भी था कि मतलब कहाँ फ़ोन लेके घूमना, फिर कहीं कपड़े वगैरह सूखे मतलब सूखे हुए कपड़े भीग गए, अगर सूखे हुए कपड़े भीग जाते तो अजीब से नहीं लगता कि हाँ यार इतनी मेहनत करी। फिर ये है कि सिलन उन कपड़ों में ना फिर सिलन भी आ जाती है, फिर अजीब सी गंदी स्मेल आती है, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसे अच्छा मैंने कपड़े वगैरह सुखाए और प्रेस वगैरह करके तो मैंने मिश्रा जी के कपड़े ना अलमारी में सेट कर लिए हैं। वैसे तो मेरे कपड़ों के लिए अलमारी में जगह नहीं होती, दैन अब ना मिस्टर जी के कपड़े भी एडजस्ट करने पड़ रहे हैं मुझे, क्या करें फिर रखने तो है ही, तो खैर जो भी है। देखो ये मेरी अलमारी, देखो मैंने कैसे फैला रखी है, ये ना मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो मैं कभी ना साड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी तो तब बताऊंगी कि कौन सी साड़ी मेरी किस चीज़ की है। और यहाँ तो मैंने ऐसे फैला रखा है, इग्नोर करना है इन कपड़ों को। और ये मेरी सूट है, और यहाँ ना मैंने सारे मिस्टर जी के कपड़े सेट कर लिए। देखो ये ना मेरे गले का सेट है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, तो ये ना मेरे गले का सेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये वाला सेट ना मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में लिया था अपने में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन खैर अभी तो ऐसे ही रखा हुआ मैंने। तो यहाँ देखो ये ना सारे कपड़े ना मिस्टर जी के कपड़े हैं, तो ये कपड़े ना मैंने परसों धुल के सुखा के प्रेस करके तो ये यहाँ सेट कर लिए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। और कुछ कपड़े तो मिस्टर जी के मैंने इधर भी रखे हुए हैं। इस जो ये वाला खाना है ना, इस वाले खाने में ना पूरे मिस्टर जी के ही कपड़े रखे हुए हैं मैंने इस वाले में, और जो ऊपर है वो तो मेरे कपड़े हैं। तो इनका मिस्टर जी जब आते हैं ना लगे रहते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं कपड़े, तो इसलिए ना मैंने पहले ही हर बार ना मैं पहले ही जैसे मिस्टर जी के आने से पहले ही मिस्टर जी के कपड़े ना मैं सेट कर लेती हूँ, ताकि मिस्टर जी को ना कोई दिक्कत ना हो कपड़ों, मतलब ये कि हाँ मेरे कपड़े नहीं संभाले ऐसे कहाँ फेंके हुए, नहीं फिर ढूंढने में ना दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही ना सेट धुल धाल के सेट कर लेती हूँ, ताकि मिस्टर जी जब आएँ तो जैसे भी कपड़े ले जो भी उन्हें चाहिए होगा वो खुद लेके पहन सकते हैं या फिर जो भी है। तो अपनी साड़ी कलेक्शन ना मैं अभी कभी दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो फिलहाल ना मैं कुछ कर रही थी। और ये वाला पर्स ना मेरी मौसी ने दिया था मुझे मेरी शादी में लेके आए थे मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से, जो कि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला पर्स अच्छी दोस्तों, क्योंकि मौसी मेरे लिए बहुत प्यार से लेके आई थी। तो मौसी को पर्स को देख के ना मुझे मौसी की याद आ गई, मौसी कितना प्यारा लग रहा है ना पर्स। और सबसे बड़ी बात ना इसमें ये वाली चैन है जो कि काफ़ी मोटी है और अच्छी है, गोल्ड जैसा कलर है, ऐसे लग रही है जैसे गोल्ड की होगी, बट ये गोल्ड की नहीं है, आर्टिफिशियल है वो तो आप सबको भी पता ही है। खैर जो भी है, तो मैं फटाफट से ना
बोई थी छम्मी, तो ये थोड़ा बड़ी हो चुकी है। जो उधर वाले खेत में है वो हमने कल के दिन परसों ही बोई थी, कल तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन परसों बोई थी हमने उस वाले खेत में छम्मी, तो वहाँ पे भी ना बड़ी बड़ी थोड़ा बड़ी बड़ी हो चुकी है छम्मी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हरियाली हरियाली खेतों में। चने बो रखे हैं, तो अभी ना ये चने ना कच्चे हैं, यहाँ देखो अभी पके नहीं हैं ये, तो कच्चे हैं, तो अभी मैं ये लेके नहीं जाऊँगी। मैंने सोचा था अगर पक गए होंगे तो घर लेके आ जाऊँगी खेत से, जब मैं आ ही रखी हूँ खेत में, बट अभी तो कच्चे हैं तो इसलिए मैं नहीं लेके जा रही हूँ। अगर मैं कच्चे लेके चल गई घर तो सासू मम्मी जी फिर मुझे खा जाएगी, मतलब गाल सुनाने लग जाएगी कि कच्चे क्यों लेके आई करके, इतनी जल्दी हो रही थी क्या कि रहन देती करके, तो इसलिए मैं अभी नहीं लेके जा रही हूँ, जब पक जाएंगे तो तब लेके जाऊंगी। तो दोस्तों मैंने अभी ना छम्मी भी जो यहाँ पे हमने मटर बो रखे थे तो वो मैंने अभी निकाल के ना वहाँ पर रख दिए हैं, और अब मेरे पास में कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं उसे घर लेके जा रही हूँ, और मेरा फोन ना ऑफ भी होने वाला है तो, और यहाँ पर ना इतनी सारी गौ माताएँ आ रखी चलने के लिए, यहाँ देखो। हेलो हेलो, सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं बिन्नी राणा मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।